नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब बाय राकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब विधवा पेंशन योजना 2020 के बारे में। दोस्तों, पंजाब विधवा पेंशन योजना क्या है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, कैसे आवेदन करना है, कौन कौन से इसमें दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, कितना इसमें लाभ मिलने वाला है, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पंजाब विधवा पेंशन योजना क्या है। दोस्तों, पंजाब की राज्य सरकार के द्वारा पंजाब में रहने वाली विधवा महिलाओं के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है पंजाब विधवा पेंशन योजना। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं की परेशानियों को दूर किया जाएगा, यानी कि सरकार की तरफ से विधवा महिलाओं को कुछ धनराशि पेंशन के तौर पर प्रदान की जाएगी ताकि वो महिलाएं अपना जीवन अच्छे से गुजार सके। जब किसी भी औरत का पति इस दुनिया में नहीं रहता है तो उसका सारा खत्म हो जाता है और उसका जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकार की तरफ से इस योजना की शुरुआत की गई है ताकि विधवा महिलाओं को कुछ धनराशि देके उसको सहारा दिया जा सके। दोस्तों, पंजाब विधवा पेंशन योजना के क्या क्या लाभ हैं। नंबर एक, इस योजना के द्वारा जो भी महिलाएं जिनका पति अब इस दुनिया में नहीं है उनको सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उन महिलाओं का जीवन यापन अच्छे से हो सके। नंबर दो, पंजाब विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत किसी भी विधवा महिला को किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नंबर तीन, विधवा महिला के पति की मृत्यु हो जाने के बाद वह औरत अपना जीवन अच्छे से गुजार सकेगी। नंबर चार, सरकार के द्वारा विधवा औरतों के लिए पेंशन के रूप में कुछ धनराशि प्रदान की जाएगी जिस धनराशि का उपयोग करके वो अपना जीवन को सुधार सकती हैं। दोस्तों, पंजाब विधवा पेंशन योजना के लिए क्या क्या पात्रता है। नंबर एक, इस योजना में आवेदन करने वाली महिला पंजाब की मूल निवासी होनी चाहिए। नंबर दो, विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए विधवा महिला के पास में पति, माता पिता और बेटे के बिना वह महिला होनी चाहिए, यानी कि उसको पति, माता पिता और बेटा नहीं होना चाहिए। नंबर तीन, आवेदन करने वाली महिला की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर 18 साल से कम उम्र की कोई विधवा है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। दोस्तों, पंजाब विधवा पेंशन योजना के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, पंजाब विधवा पेंशन योजना के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। नंबर एक, आधार कार्ड होना चाहिए। नंबर दो, पंजाब का बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर तीन, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। नंबर चार, पति की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। और नंबर पाँच, बैंक खाता होना चाहिए। अगर ये दस्तावेज आपके पास हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकती हैं। तो पंजाब विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें। दोस्तों, इसके लिए आप दो तरीके से आवेदन कर सकते हैं। पहला, आप इसमें ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं और दूसरा, इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो अपना आवेदन फार्म भर के विकास अधिकारी या पंचायत समिति में आप जमा करवा सकते हैं, और अगर आप शहर में रहते हैं तो आप अपना आवेदन फार्म भर के पंचायत समिति या तहसील कार्यालय या फिर जिला कलेक्टर कार्यालय में आप जमा करवा सकते हैं। ये फार्म आपको निःशुल्क वहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, आप इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। साथ के साथ ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।